हरे कृष्णा, आज मैं आपको प्रकृति के बारे में बताऊंगी कि प्रकृति किन तत्वों से बनी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम सबका शरीर भी डिफरेंट एलिमेंट से बना है, उन फाइव एलिमेंट्स के अलावा और कौन कौन से तत्व हैं जो कंप्लीट करके एक प्रकृति को बनाते हैं, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले तो जो हमारे फाइव एलिमेंट्स हैं उनको पांच महाभूत बोलते हैं, जो कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश है। इसके अलावा हमारी फाइव सेंसेस होती हैं, जिन्हें हम पांच तन्मात्र बोलते हैं, जिसके अंदर गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द आते हैं। इसके अलावा चार हमारे अंतःकरण होते हैं, जो मन है, बुद्धि है, चित्त है और हमारा अहंकार है। इसके बाद दस हमारी इंद्रियां आती हैं, जिसके अंदर है श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु। तो टोटल ये हो गया 24। तो ये 24 तत्वों की जो संख्या है, इन सबको मिलाकर एक प्रकृति बनती है। इसके अलावा शास्त्रों के अंदर एक 25वां तत्व और बताया गया है, जिसको स्वयं भगवान माना गया है। तो यही जो भगवान है, यही अपनी माया के द्वारा जीवों के अंदर जीवन रूप में और उससे बाहर वो काल रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको आज एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने भागवत पढ़ी, तो उसके अंदर जो इतने राजा हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जब उनका अंत समय आता था, तो उस अंत समय के अंदर वो किस प्रकार से अपने प्राण त्यागते थे, तो आज मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। जैसे अंत समय जब निकट होता है, तो उस समय ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट दे, दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राणों में, प्राणों को अपान में, अपान को मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर ले, शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उसे त्रिगुण में मिला ले, उसके बाद त्रिगुण को प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर ले। तो इस प्रकार से जैसे ये अंत समय का इसमें बताया है बहुत ही, और ये भागवतम के अंदर सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह बताया गया है इस तरीके से, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये भी डिस्कस करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जैसे इसमें बताते हैं कि प्राणों को आपने कैसे कंट्रोल करना है, तो प्राणों को कंट्रोल करना, प्राण वायु होती है और प्राण वायु प्राणायाम से रिलेटेड होती है, तो प्राणायाम भी तीन प्रकार के बताए गए हैं इसमें, रेचक, पूरक और कुंभक। इसके अलावा जैसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं, तो ये पाठ कौन से मंत्र में करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंत्र बहुत अच्छे रहते हैं और कहते हैं कि इन मंत्र में पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ये मंत्र जो है वो वन वीक के पाठ के लिए बताए गए हैं। जिस प्रकार से हम जब ये पाठ करते हैं, तो इस पाठ को करने से बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, जो हमारे अनजाने में हमसे हो जाती हैं, तो उन गलतियों को बैलेंस करने के लिए श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी कर लेना अच्छा रहता है। और जब ये पाठ खत्म होता है, तो आखिरी दिन घर में हवन करा जाता है, और उस हवन के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का हर एक श्लोक बोल बोलकर आहुति दी जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।